नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 183 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए और पढ़ के समझने का भी प्रयास जरूर करिए। मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए या रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करिए, प्रश्न पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आप समझ लेंगे दोस्तों तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए, यह क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न यह कह रहा है ना दोस्तों, 80 रुपए में क्या कह रहा है दोस्तों, 90 कलम जब यह बेच रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की हानि हो रही है। तो बोल रहा है दोस्तों 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम ऊपर भी है, 90 कलम नीचे भी है। बोल रहा है कि 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि 20% का इसे लाभ मिले। अगर यहां पे देखिएगा, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऊपर वाले में क्या हो रहा है, 90 कलम ही बेच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे 20% की हानि हो रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है। यहां पे भी क्या करना है, 90 कलम ही बेचना है, ज्यादा या कम कलम नहीं बेचना है, 90 कलम ही बेचना है और 20% का लाभ लेना है। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, 20% की हानि। 20% की हानि को मतलब क्या होता है, 80%, ठीक है। हानि को क्या करते हैं, 100 से घटा के लिखते हैं, लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं। यानी कि 80% का दोस्तों मूल्य क्या है, 80% की वैल्यू क्या है, 80 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 90 कलम से लेना देना कोई नहीं, क्योंकि ऊपर भी 90 कलम है, नीचे भी 90 कलम है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 80% बराबर दोस्तों क्या है, 80 रुपए। बोल कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यह पूछ रहा है। तो बताइए 20% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 120% का वैल्यू आपको बताना है। 80% बराबर दोस्तों 80, तो 120% बराबर 120, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा। जब 80% बराबर 80 है तो दोस्तों 120% बराबर क्या होगा, 80 बटा का 80 गुने 120, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, 120 रुपए। या तो देखिए यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 120 रुपए, यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 120 रुपए। देखिए 120 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एक लाइन में आंसर आता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट भी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहले, क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी सिनेमा हॉल के टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है, ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई होगी। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा पहले, यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों, टिकट की दर यानी कि जो टिकट का मूल्य है दोस्तों, 60% की जब वृद्धि होती है, तो बोल रहा है दर्शकों से प्राप्त जो आय है, कुल आय हो रहा है, उसमें 20% की क्या हो जा रही है दोस्तों,
कमी हो जा रही है, जो टोटल आए हो उसमें क्या हो रही है, 20% की कमी हो जा रही है। तो बोल रहे ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई होगी, यानी कि दर्शकों की संख्या क्या है, कमी हुई होगी। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, प्रश्न का आपका आंसर भी आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों टिकट का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिएगा, और 100 दर्शक है, तो टोटल आय क्या होगा दोस्तों, 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपए होगा, यही तो कुल आय होगा। 100 अगर जो मूल्य है, 100 रुपए मूल्य है एक टिकट का, 100 दर्शक है, तो टोटल आय क्या होगा, 10,000 होगा। क्लियर है, कितना होगा दोस्तों, 10,000, ये है समझिएगा, ये 10,000, ठीक है। अब बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे टिकट दर में, देखिएगा देखिए यहाँ पे कह रहे हैं टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए ये दर है 100 रुपए, जब 60% की वृद्धि हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा, समझिएगा। तो बोल रहे हैं तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, यानी कुल आय में, कुल आय 10,000 है, 10,000 में 20% की कमी हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, 80% हो जाएगा, यानी कि 10,000 का 80% क्या होगा, 8,000 हो जाएगा, यही होगा ना, समझ में आया। 20% मतलब 2,000, इसमें से माइनस कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई होगी। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दर्शकों की संख्या x कम हो गई होगी, तो देखिए यहाँ पे कैसे 100 × 100 = 10,000 किए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 160x बराबर क्या है दोस्तों, अभी x की वैल्यू आ जाएगी फिर हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, 160x बराबर दोस्तों क्या है, 8,000 है, समझिएगा। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 8,000 यहां पे लिख दे रहे हैं देखिएगा, बटा 160, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 × 5 = 80 होगा, 50 होगा, यानी x की जगह क्या हो जाएगी दोस्तों, x की जगह 50 हो जाएगा। तो देखिए दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी पूछ रहे हैं, तो 100 पहले थे अब 50 हो गए, कमी कितने की हुई दोस्तों, 50 की हुई, किस पे कमी हुई, 100 से, परसेंटेज में पूछ रहा है गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 50% की कमी हो गई होगी, आंसर होगा 50%। देखिए 50% किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक्स वाई वाई या एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को मात्र 2 से 3 सेकेंड में आंसर दिया जाता है, वो भी बिना पेन उठाए। कैसे दिया जाता है, पहले प्रश्न पढ़िए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है, भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है ये पूछ रहे। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो इसके लिए एक आसान तरीका होता है, आसान तरीका वो होता है दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है ऑप्शन से, हम बता रहे हैं जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहले ऑप्शन को लेते हैं दोस्तों, मान लेंगे वो भिन्न 7/10 है, बोल रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है, अंश मतलब ऊपर वाले में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, बोल रहा है दोनों में 2 जोड़ने से, ऊपर और नीचे दोनों में 2 जोड़ने से क्या हो जाती है दोस्तों, 9/11, तो 2 जोड़ दिए तो ये 7/2 क्या होगा, 9 होगा, नीचे 10/2 क्या होगा, 12, ये 9/12 बन रहा है, 9/11 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे। चलिए दूसरे ऑप्शन में अंश और हर में दो जोड़ते हैं, ऊपर भी दो जोड़ लेते हैं नीचे भी दो जोड़ लेते हैं, तो ये क्या होगा, 7 2 9 हो जाएगा, नीचे 9 2 11 होगा, ये 9/11 बन रहा है। अगला स्टेप में देखिए क्या बोल रहा है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। तो देखिए 7/9 ही है भिन्न, देखिएगा अब इसमें बोल रहा है 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में, ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए दोस्तों, नीचे भी 3 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10/12, और ये बोल रहा है 5/6 बन जाती है। तो देखिए 10/12 को आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 2 से भाग करिए, 2 5 10 और 2 6 12, ये क्या हो जा रहा है दोस्तों 5/6 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है दोस्तों, 5/6 हो जा रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपके पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि वो भिन्न क्या होगी दोस्तों, भिन्न होगी 7/9। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं तो 9/11 हो जा रहा है, और अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ रहे हैं तो 5/6 भी हो जा रहा है, यानी ये ऑप्शन जो बी है पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों उस चैनल पर मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूं, अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है एक्स एक काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है, उसी काम को वाई 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है, अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए जो आसान तरीका होता है वो होता है दोस्तों एलसीएम मेथड। देखिए बता रहा हूँ कैसे एलसीएम मेथड को अप्लाई किया जाता है, एक्स एक काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 25 दिनों में कर सकता है, वाई दोस्तों कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए 20 और 25 यानी 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, निकालेंगे क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। मान लेंगे दोस्तों 100 यूनिट काम है, एक्स 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 100 यूनिट काम है, 25 चौको 100, 100 को क्या करेंगे, 100 देखिएगा 25 से 100 को कटाइए, 25 चौको 100, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तभी ये 25 दिन में पूरा काम करेगा, समझ में आया। Y 20 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 20 25 100, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तभी 20 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगा, 20 25 100 यूनिट काम कर लेगा, समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। बोल रहा है दोस्तों दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, मिलके काम किए हैं तो एक्स एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट, वाई एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट, 4 और 5 जोड़ेंगे तो एक दिन का काम दोस्तों क्या होगा, 9 यूनिट, 5 दिनों तक का काम क्या होगा बताइए, 9 × 5 = 45 यूनिट, यानी कि क्या हुआ है दोस्तों जब ये दोनों मिलके काम किए हैं 5 दिन तो कितना यूनिट काम कर लिए, 45 यूनिट, टोटल काम क्या है दोस्तों 100, 100 में से 45 घटाइए बचा काम क्या दोस्तों 55 यूनिट, बचा कितना 55 यूनिट। बोल रहा है अकेले वाई, देखिए बोल रहा है अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है, शेष काम क्या है 55 यूनिट है, 55 यूनिट ही तो शेष काम है, अब बोल रहा है वाई कितने दिन में करेगा, देखिएगा शेष काम को पूरा करता है, वाई एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, देखिए दोस्तों यहाँ नीचे लिखा है ना एक दिन में 5 यूनिट, तो 55 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा, 55 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 से ये कट जाएगा, बराबर का क्या होगा 11, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 11 दिन।
अकेले वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है, तो 11 दिन आंसर होगा। देखिए 11 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में आपको, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर जाके एसएससी मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है दोस्तों अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो एसएससी मेकर सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर मुझे फॉलो करिए। और चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, मैथ का पार्ट नंबर 182 देख लेंगे। 182 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पार्ट नंबर 182 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊँ इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकेंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 182 आपको मिलेगा कहाँ से, इसका लिंक दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन पर दे दिया हूँ दोस्तों। आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 182 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो यह पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।